नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आवदेकपाल मिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो पौधा दिखा रहा हूँ, इस पौधे के बारे में जानकारी दूंगा। यह पौधा बहुत ही खास है दोस्तों, इसका उपयोग करके आप बहुत सी समस्याओं से आसानी से मुक्ति पा सकते हो। तो बने रहें वीडियो में, अंत तक जरूर देखें, इसकी जानकारी पूरी तरह से जान जाओगे तो आप, मैं सच कहता हूँ, बहुत सी समस्याओं को आसानी से दूर कर पाओगे। दोस्तों, इस पौधे को आप अच्छे से देख करके पहचान लीजिए। यह नमी क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पानी का जमाव होता है वहाँ अक्सर आसपास में देखने को मिल जाएगा, और यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। लेकिन अब यह बहुत ही दुर्लभ होते जा रहा है, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में दिखाई देता है। अब अगर आप अपने क्षेत्र में इसको देखे होंगे तो इसके फायदे नहीं जानते हो, तो आज के बाद इसके फायदे लेकर के इसे इस्तेमाल करके आप बहुत से समस्या को दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके नाम बता दे रहा हूँ। दोस्तों, इसके पौधे के जो फूल देख रहे हो, या फूल जो है हाथी के सूंड के समान मुड़ा रहता है, शायद इसीलिए इसको हस्तसुंडी कहा जाता है। तो इसका नाम है हस्तसुंडी, और इसका वैज्ञानिक नाम है हेलियोट्रेपियम इंडिकाम। इसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों हेलियोट्रेपियम इंडिकाम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप इसके नाम को भी जान लिए। अब मैं आप लोगों को इसके फायदे के बारे में बता रहा हूँ। जैसे आपको शरीर में किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, तो उसमें आप बड़ी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, कहीं भी फोड़ा फुंसी है, या फिर सूजन है, या फिर सर दर्द है, या फिर बुखार है किसी भी प्रकार का, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इससे बड़ी आसानी से मुक्ति आपको मिल जाएगी उस समस्या से। उसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके पत्ते को सिर्फ तोड़ लेना है, तोड़ करके इसका पेस्ट बना करके, जैसे सर दर्द है तो सर दर्द में माथे पे लगा लीजिए, बुखार है फिर भी बुखार में माथे पे लगा लीजिए, आपका बुखार और सर दर्द जो है गायब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और यदि आपको चरम रोग है कहीं पर शरीर में, जैसे दाद है और दाद बार बार होता रहता है, तो आप इसका पत्ते को रगड़ करके वहाँ पर लगा लीजिए, और दाद को भी अच्छे से पहले थोड़ा रगड़ लीजिए ताकि दाद भी खुरदुरा हो जाए, और वहाँ पर इसका रस टपकाइए, तो आपको इससे बहुत ही जल्द आराम मिल जाएगा और आपकी जो दाद की समस्या है वह ख़त्म हो जाएगी, कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। और जब भी आपको दाद होगा तो इसी के पत्ते का इस्तेमाल कीजिए। 2-3 बार अगर इस्तेमाल करते रहोगे और इसी तरह से दाद मिटाते रहोगे हर बार, तो आपको जीवन में कभी भी दाद नहीं होगा। और दोस्तों, फोड़ा फुंसी जहाँ पर हो गया है, तो वहाँ पर भी इसका पेस्ट लगा करके फोड़ा फुंसी को आसानी से मिटा सकते हो। और दोस्तों, इस पौधे की एक और ख़ास बात बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही कारगर है और बहुत ही फायदेमंद है हर किसी के लिए। अगर कोई डिप्रेशन में चला गया है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है और हमेशा उदास बुझा बुझा सा रहता है, उसका मन कहीं खोया रहता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, अचानक नींद से जाग जाता है, और या फिर किसी भी प्रकार का मतलब सांसारिक दुनिया से वह अलग जीवन व्यतीत करने लगता है, और कहीं कहीं हमेशा उदास पड़ा रहता है, तो इस प्रकार की समस्या को दोस्तों डिप्रेशन कहा जाता है। उसका दिल दिमाग कहीं और रहता है और मस्तिष्क उसका जो है कुछ अलग ढंग से कार्य करने लगता है। तो इस तरह से समस्या को यदि दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। इसके पत्ते को तोड़ करके इसका रस निकाल लीजिए, और इसके रस को आप किसी भी तरह से उसके नाक में 2-4 बूंद हर दिन डाला कीजिए। 1 सप्ताह के अंदर आपका जो डिप्रेशन की समस्या है वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक और चीज़ करना है, सुबह उठ करके आपको तांबे के बर्तन में पानी भर करके रखना है रात को, और उसको सुबह उठ करके पीना है। 1 लोटा या फिर 1 गिलास आप जितना चाहें उतना पी सकते हो। प्रतिदिन इस तरह से पानी पियोगे, और नाश्ता करने के बाद आपको प्रतिदिन दिन में 2 बार कम से कम इसके पत्तों का रस को नाक में डालना है। तो इस तरह से अगर लगातार प्रयोग करोगे, तो 1-2 सप्ताह में जो डिप्रेशन की समस्या रहेगी वह पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसे आजमा करके देख सकते हो, इससे फ़ायदे ले सकते हो। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छी औषधि है और बहुत ही जल्द इससे राहत मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, इस पौधे के बहुत से अच्छे अच्छे प्रयोग हैं, तो मैंने आप लोगों को आज इस पौधे की जो खास जानकारी है उसको बता दिया। इस पौधे का खास यही है कि यह चर्म रोग को दूर करता है और डिप्रेशन को दूर करता है, चिंताएं को ख़त्म करता है। तो इस तरह से आप इसके फ़ायदे ले सकते हो और इसके प्रयोग करके खुश रह सकते हो। दोस्तों, आज का ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, तो ज़रूर इस पौधे को उपयोग कीजिए और अपने आसपास में लगाइए, ताकि इसको हमेशा यूज कर सको, इसके फ़ायदे ले सको। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।